हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले सारे खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं, ठीक है। दिशा यादव प्रेजेंट है, देखता हूँ बेटा, रुकिए। दिशा यादव ठीक है, प्रेजेंट लग चुकी है बेटा आपकी, इट्स डन, ठीक है। कंचन ओके, देखता हूँ। कंचन बेटा आपका नाम नहीं है यहाँ पे, मिल गया, ठीक है। कंचन की प्रेजेंट लग गई भाई, ठीक है। एनीथिंग एल्स, कोई और है तो बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे, ठीक है। 9 तक हो चुके थे कल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर वेवलेंथ दे रखी, यानी लैम्डा आपको गिवन है, ठीक है। 242 नैनोमीटर है, तो 10 रेज पावर -9 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर बना दिया, ठीक है। इन जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम, सोडियम एटम दैट इज Na। अगर यहां पर आपके पास में ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा रखा है, ये एक कैथोड रे ट्यूब है, इसके अंदर हमने यहाँ पर कैथोड और एनोड लगा रखे हैं, यहाँ बैटरी लगा रखी है, ठीक है। और इसके बाद में इस जगह पर मैं ये वाली वेवलेंथ डाल रहा हूं, और ये कह रहा है कि जस्ट आयोनाइज द सोडियम एटम, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकाल देता है, चलाता नहीं है उसे, बाहर निकाल देता है। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम किलो जूल पर मोल। आयनाइजेशन एनर्जी यानी एनर्जी निकालनी है बस आपको, इक्वल क्या होता है, एच इंटू न्यू। ये वन इलेक्ट्रॉन के लिए है, मल्टीप्लाई में एवोगाड्रो नंबर, वन मोल के लिए हो गया। ये बात समझ में आई भाई, सिर्फ ये निकालना है हमें, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पंगा नहीं करना, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन को, तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इक्वल एच इंटू न्यू चाहिए। एक मोल के लिए कितनी चाहिए होगी, इक्वल एच इंटू न्यू इंटू एन ए, एन ए मतलब एवोगाड्रो नंबर, 6.6 × 10⁻², नॉट माइनस। हाँ बेटा, ये सबको समझ में आया? यस सर, आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया ना, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसको देख के ऐसा लगता है कि ये एच इंटू न्यू और एच इंटू न्यू नोट और हाफ एम वी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगना चाहिए इसमें, बट इसने पूछा तो सिर्फ एनर्जी है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को क्यों, ना तो काइनेटिक एनर्जी बोल रहा, ना थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहा था, कुछ बोला ही नहीं है, तो सिर्फ ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखो हमारे पास तो लैम्डा है, ठीक है, न्यू नहीं है, तो हम उसकी जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, हमें पता है सी इक्वल न्यू इंटू लैम्डा होता है, ठीक है। हमारे पास लैम्डा है, न्यू हमें भरना है, तो न्यू को निकाल लो, क्या निकलेगा, न्यू न्यू इक्वल सी बाय लैम्डा, सीधी सी बात। तो यानी ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं, एच इंटू सी बाय लैम्डा, ठीक है, इंटू एन ए, तो देखो ये तीन तो सारे के सारे क्या हो गए, फिक्स हैं, तो एनर्जी निकल जाएगी। एच की वैल्यू हमें पता है, सी की वैल्यू हमें पता है, एच की वैल्यू क्या होती है, 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। सी क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और एन ए क्या होता है, 6.022 × 10⁻²। क्लियर है सभी को, ये तीनों तो कांस्टेंट है। नीचे नीचे लैम्डा आ गया, लैम्डा कितना अभी, 242 × 10⁻¹⁹, 242 × 10⁻¹⁹, दिस इज लैम्डा। वैल्यू भरो, वन मोल की इलेक्ट्रॉन्स का आंसर आ गया। तो यहाँ देखो यही फॉर्मूला इसने लगा रखा है, सेम टू सेम, एच सी वाई लैम्डा 6.626 3 × 10⁸ डिवाइड बाय दिस वन, बट ये आ गया जूल पर एटम, पर एटम निकला। मोल के लिए निकालने के लिए बाद में उसने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इसी वैल्यू को मोल के लिए निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, बस हमने डायरेक्ट कर दिया, बात ही खत्म। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया ना ये? यस सर। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कहता है, 25 वाट बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है भाई सिंगल कलर, सिंगल कलर, सिंगल कलर की लाइट कोई चीज फेंक रही है, तो इसने बोला येलो कलर देता है, तो ऑब्वियस है मोनोक्रोमेटिक का कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है यहां पर, तो इसको जस्ट एक इंग्लिश के वर्ड की तरह ट्रीट करना, और कोई आनी जानी नहीं है इसकी। येलो लाइट फेंकता है, वेवलेंथ दे रखी है, तो वेवलेंथ इतने क्या माइक्रोन मीटर दे रखा है, माइक्रोन में कितना मीटर होता है भाई, माइक्रो
-6 मीटर, 10 से 10 और -6 मीटर, ठीक है। तो यानी लैम्डा हमें दे रखा है उसने 0.57, अगर मैं इसको 10^-6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा मीटर, क्योंकि माइक्रोमीटर दे रखा है। कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। क्वांटा क्या होता है भाई? फोटोन, सबसे छोटा पैकेट जो लाइट का होता है उसको क्वांटा बोलते हैं, और लाइट के पैकेट को स्पेशली फोटोन बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी का सबसे छोटे पार्ट को क्वांटा बोलते हैं, लाइट के किस्म से फोटोन बोलते हैं। पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने यूज हो रहे हैं। अब यहां जो आपको ना इस क्वेश्चन में आपको ना फॉर्मूला पता होना चाहिए, किस चीज का? वाट, एनर्जी का फॉर्मूला। अब एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा? जो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बोलते हैं इसको, उसमें यूज होता है फिजिक्स में, फिजिक्स वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिजिक्स वाला फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे। वैसे इन्होंने लिख रखा है वाट जो होता है वो जूल पर सेकंड होता है, दैट इज वाट बल्ब। ये पावर दे रखी है उन्होंने, पावर। तो पावर क्या होती है भाई? पावर क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, यस यही होता है ना पावर? यस सर। किसी में ज्यादा एनर्जी है, इसका मतलब क्या है कि वो एक सेकंड में ज्यादा एनर्जी लगा सकता है, किसी में कम है वो एक सेकंड में कम लगाएगा एनर्जी, इसी को एनर्जी बोलते हैं ना। वरना तो अगर मेरे को कोई कह दे कि आपको 100 किलो वजन उठाना है तो मैं कहूंगा भी 1-1 किलो करके 100 बार में उठा दूंगा मैं। 1-1 किलो को 100 बार उठाया मतलब मैंने 100 किलो उठा लिया, दैट्स इट। बट ऐसा नहीं है, मेरी पावर 100 किलो उठाने की नहीं है। तो ये होती है पावर। पावर मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में वो कितनी एनर्जी लगा सकता है। तो यहाँ इन्होंने 25 वाट दिया, 25 वाट का मतलब ये देखिए 25 वाट। अब वाट तो हमें नहीं समझ में आएगा, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, टाइम का होता है सेकंड। तो हम इसको 25 जूल पर सेकंड, एक सेकंड में वो 25 जूल एनर्जी लिबरेट कर सकता है, क्लियर है। ये है एनर्जी का मतलब, और हमने इसको मीटर बना ही लिया लैम्डा को। ये समझ में आ गया होगा भाई, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। अब 25 का बल्ब है, अब देखिए कैलकुलेट द एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड, एक सेकंड में कितने क्वांटा वो कैलकुलेट करना है, मतलब कितने फोटोन डालता है एक सेकंड में। तो देखो 25 जूल की एनर्जी है एक सेकंड में, अब एक सेकंड में वो 25 जूल की एनर्जी एमिट कर रहा है, बट लैम्डा हमें पता है। तो लैम्डा से हम क्या निकालें? सबसे पहले तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालते हैं, तो इस लैम्डा को उठाते हैं और यहां से एनर्जी निकालते हैं फोटोन की, क्या आएगा? कौन? एच इंटू न्यू होता है, एच इंटू न्यू, न्यू नहीं है मेरे पास, लैम्डा है, तो भर सकता हूँ एच इंटू सी बाय लैम्डा, वही होता है न्यू, क्लियर है ये? सी इक्वल न्यू इंटू लैम्डा, ये बार बार मैं लिख रहा हूं। अगर आपने कल ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो डेफिनेटली ये वाले फॉर्मूले आपको अच्छे से फिंगर टिप्स पे हो गए होंगे, और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, मेरे को सिर्फ देख रहे हो सुन रहे हो, उससे ये तो समझ में आएगा कि हाँ ये हमें आता है, लेकिन मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है। बट आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन, ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या होती है, जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठते हैं तो वो कहते हैं सर हमें समझ में तो सारे आ गए थे लेकिन हमसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा। दैट इज द रीजन कि आपने उसे करके नहीं देखा, इसलिए आपको समझ ही नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। वो समझ में ही तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ये बहुत बड़ी चीज होती है। माइंड ऐसे ही सीखता है। हम सभी, मैं अपने आप को देखो, आप लोग अगर अपने आप को बड़ा मान रहे तो एक अलग बात है, बट मैं अपने आप को मंद बुद्धि समझता हूँ कि हमारा दिमाग मंद बुद्धि है, बिल्कुल बहुत धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं, बार बार उसको रट्टा मारते हैं, बार बार समझते हैं, कर करके देखते हैं, तब जाके तो हमें वो याद होती है। हम मंद बुद्धि हैं सारे के सारे। अगर किसी को लगता है कि मेरे को देख के याद हो जाती है, तो भाई अगर अभी 2 लेसन हो चुके हैं, है ना, ये दूसरा लेसन हम खत्म करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको फिर इसका अंदाजा होना चाहिए और ये आना भी चाहिए। बट अगर ये नहीं आता तो डेफिनेटली आपने फिर 2 लेसन अच्छे से किए नहीं है, हम मंद बुद्धि हैं, सिंपल। मानो ना मानो लेकिन हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, और इसको काम करवाने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस का राग गाते रहते हैं हम लोग, क्योंकि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन थी भाई आप लोगों का, इस संडे को जो टेस्ट है वो दोनों लेसन का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है और मॉडल कॉन्सेप्ट भी, दोनों लेसन का टेस्ट होने वाला है। तो दोनों लेसन के फिर से बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल कर लो, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर कर लो, 90% लेसन कवर हो जाता है एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर से। हम लेसन भी करवा रहे हैं फिर एनसीईआरटी भी करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको 90% आना चाहिए अगर आपने अपने हाथों से उसे सॉल्व किया तो। तो देखो भाई, हम यहाँ से एनर्जी निकाल लेंगे, E इक्वल H, H की वैल्यू 6.626 इंटू 10^-34 है, और C की वैल्यू 3 इंटू 10^8 है,
और लैम्डा मीटर में है, मीटर में ही लेने लेते होते हैं इसको, याद रख लेना। अगर सेंटीमीटर में है तो ऊपर देखो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है ना, तो उसको 3 लाख मीटर, 300 करोड़ मीटर समथिंग बना रखा है हमने, मीटर में ही उसको कन्वर्ट किया किलोमीटर को, 10^-6। तो ये आ गया हमारे पास एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, फोटोन या क्वांटा कह लो इसे, है ना। एक फोटोन की एनर्जी तो हमारे पास आ गई, और उसने बोला 1 सेकंड में 25 जूल एनर्जी है टोटल। तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन की एनर्जी, नंबर ऑफ क्वांटा आ जाएगा ना, एक फोटोन में इतनी एनर्जी है, तो 25 जूल में कितने फोटोन आएंगे, ये समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ फोटोन, यस भाई ये बात समझ में आ गई सबको, 25 टोटल एनर्जी, 25 जूल, दैट इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, वन फोटोन की एनर्जी कितनी है, ये 6.626 × 10^-34 मल्टीप्लाई में 3 × 10^8, ठीक है, और इसके डिवाइड में था, वो डिवाइड वाला ऊपर चला जाएगा। फिलहाल इसको यहीं लिख देता हूं मैं ऐसे स्लैश डाल के, 0.57 × 10^-6, और ये क्या है, ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, दैट विल बी द आंसर। यस बेटा क्लियर है सबको, यस सर। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, और मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू भी सॉल्व करनी होती है, अपने हाथों से सॉल्व कीजिए, ये मत लालच कीजिए कि आप मतलब देख लिया समझ में आ गया या मैं कर लूंगा, न्यूमेरिकल छोड़ दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू छोड़ दी, दैट इज द नॉट द गुड थिंग, अपने हाथों से लिख कर सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, ये देखिए एनर्जी ऑफ वन फोटोन, इन्होंने ये वन फोटोन की एनर्जी निकाल रखी है, ये एनर्जी इतनी निकल गई। इसके बाद वो कह रहा है टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एक एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी, दोनों को डिवाइड किया 25 से, और आपके पास में नंबर ऑफ फोटोन आ गए, 1 सेकंड में ये बल्ब इतने फोटोन एमिट करता है। सर यही आया है, ठीक है बेटा गुड। तो कॉल देखो कर लिया इतने। ठीक है, तो 1 सेकंड में, अब जरा ध्यान से दिमाग लगाना आप लोग, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में ये एटम जो है, और मतलब 25 वाट का बल्ब इतने फोटोन एमिट करता है, इतने फोटोन कहाँ जाते हैं वो फोटोन, 25 वाट का बल्ब, 25 वाट, और ये रियल डाटा है, 25 वाट का बल्ब इतने इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, और फोटोन सॉरी। अब ये फोटोन कहाँ जाते हैं, दीवार खा जाती है, बिल्कुल दीवार के अंदर घुस जाते हैं, वो एनर्जी मर्ज हो जाती है, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत कम होती है, हमारी बॉडी भी फोटोन खा रही है, मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, उस लाइट के गिरने की वजह से ये रिफ्लेक्ट होकर जो आपकी आंखों तक जाते हैं, कैमरा तक जाते हैं, वो कैमरा के थ्रू मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो कुछ फोटोन तो हमारी बॉडी खा जाती है, कुछ फोटोन कैमरा तक भी पहुंचते हैं, ठीक है, जिससे इमेज बनती है, तो जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है वो फोटोन की वजह से दिखा, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आंखों में, हमारी आंखें भी फोटोन को खाती हैं, हमारी बॉडी से भी कुछ फोटोन एमिट होते हैं, पता है हमारी बॉडी में, कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं जब आप, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी के अंदर लाइटनिंग ज्यादा होती है, मतलब हमारी बॉडी से फोटोन एमिट होते हैं, उस टाइम पर फोटोन एमिट होते हैं, साइंस इस चीज को मानती है आज कि फोटोन एमिट होते हैं हमारी बॉडी से सुबह सुबह, हमारी बॉडी सबसे ज्यादा ब्राइटन होती है सुबह 4 बजे के आसपास, सबसे ज्यादा ब्राइटन कह सकते हो। तो मतलब हमें कई बार, आप लोगों ने फील किया होगा, कुछ दिन ऐसे आते हैं जिन दिनों में हमें अपना फेस कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा अच्छा नजर आता है कि अरे हम आजकल अच्छे दिख रहे हैं, और कुछ दिन ऐसे आते हैं हमारा हमारा फेस कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा गंदा सा फील होता है कि अरे हम अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं आजकल। अरे ठीक है, वो हमारी बॉडी की इंटरनल एनर्जी होती है, जिन दिनों के अंदर हमारी बॉडी की एनर्जी डाउन होती है हम अच्छे नजर नहीं आते हैं, दैट इज द थिंग, क्लियर है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी से भी सोचो कितने सारे फोटोन लगातार निकलते रहते हैं, और हम उन चीजों का हिसाब ले रहे हैं यहाँ पे केमिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम ए मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन जीरो वेलोसिटी के साथ बाहर निकल जाते हैं, जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मेटल सरफेस से निकल रहे हैं, व्हेन एक्सपोज टू रेडिएशन वेवलेंथ, तो हमें लैम्डा दे रखा है, लैम्डा की वैल्यू 6800 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम के लिए क्या करूं, 10^-, कितना होगा भाई मीटर में, 10 याद होना चाहिए, 4 यूनिट बताए थे मैंने इनके, एंगस्ट्रॉम में 10^-10 मीटर हो गया, एंगस्ट्रॉम से मीटर बना दिया मैंने। अब आगे कह रहा है कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट एंड वर्क फंक्शन डब्ल्यू नोट, तो न्यू नोट वर्क फंक्शन पता होना चाहिए, मान लो मैंने कुछ एनर्जी दी, उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी यूज हो जाती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और बाकी की एनर्जी क्या होती है
वो उसको मूव करने में काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर में कन्वर्ट होती है, बट इसने बोला जस्ट जीरो वेलोसिटी के साथ एमिट होता है, मतलब ये वेलोसिटी जीरो तो ये पूरी टर्म होगी जीरो। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जो मैंने एनर्जी दी थी वो एनर्जी इक्वल टू एच इंटू न्यू नोट है, प्लस में जीरो है, तो यानी कि एच तो बराबर ही है, तो जो भी मैंने एनर्जी दी थी वो एनर्जी एच इंटू न्यू नोट ही है, तो जो जिस फ्रीक्वेंसी की मैंने एनर्जी दी थी उसी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है न्यू नोट है, और न्यू नोट क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, याद है न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एच इंटू न्यू नोट क्या होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन। ये समझ में आ गया भाई, डब्ल्यू नोट जिसको बोलते हैं, एच इंटू न्यू नोट को, क्लियर है? मैं यहीं पे इसको लिख देता हूँ, बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। देखो यहां तक समझ में आया, ये होता है हमारा फॉर्मूला कि अगर मैं कुछ एनर्जी देता हूँ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी मेटल को कुछ एनर्जी डोनेट कर रहा हूँ, तो उसमें से कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में काम आएगी, इस एनर्जी को बोलते हैं एच इंटू न्यू नोट, और कुछ बाकी की बची हुई सारी एनर्जी उसको चलाने के काम आएगी, उसकी मूवमेंट करवा देगी। लेकिन इसने बोला वेलोसिटी तो जीरो है, तो ये टर्म तो जीरो होगी, मतलब जितनी एनर्जी मैंने दी थी सारी की सारी क्या हुई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज हो गई, क्लियर है? तो जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में एनर्जी यूज होती है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन डब्ल्यू नोट, ठीक है? और उसी एनर्जी के अंदर, इस एनर्जी में जो फ्रीक्वेंसी होती है इसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लियर है भाई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये न्यू नोट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता है उसने लैम्डा दिया है, तो लैम्डा से मैं ई तो निकाल ही सकता हूं, मुझे एनर्जी निकालनी ई इक्वल एच इंटू न्यू होता है, बट मुझे तो लैम्डा दे रखा है, तो ई इक्वल क्या आ जाएगा एच इंटू सी बाई लैम्डा, एच सी लैम्डा, ठीक है? अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, एनर्जी मेरे पास आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो भाई एनर्जी निकाल लीजिए उसकी, सबसे पहले तो एनर्जी निकलेगी एच 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34। अब देखो एच की वैल्यू बच्चों को याद नहीं होती, जब मैं बार बार आपके सामने, कितनी बार मैंने एच की वैल्यू लिख दी होगी जस्ट कल और आज में, कम से कम 5-6 बार लिखी है हाथ से, 5-6 बार, तब भी क्या याद नहीं होगी? पॉसिबल ही नहीं है याद ना होगी, है ना? तो मतलब आप लोगों को इसलिए बोला जाता है प्रैक्टिस के लिए, कि ऐसा नहीं कि याद ना हो, लेकिन याद इसलिए तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो वो भूलोगे नहीं आप, वरना आज याद कर ली कल भूल जाओगे। और ये 10^8 लेना है। अब ज्यादातर बच्चों को सी बोलो तो वो कहते हैं 300,000 किलोमीटर, 3 × 10^5 किलोमीटर/सेकंड, वो ये लगाएंगे। जब मैं ये लिखूंगा तो उनको लगेगा सर ये कैसे आया, फिर मैं उन्हें बताऊंगा ये मीटर में होता है तो ये किलोमीटर में है, तो ये डिफरेंस है, हमें तो मीटर लेना है ऐसा यूनिट, तो वो भी उनको याद रखना पड़ेगा कि इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। जबकि आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद नहीं रखना, आपको पता ही रहेगा कि 10^8 ही आएगी, बात ही खत्म। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा आप 3 × 10^8 ही बताओगे। नीचे लैम्डा, लैम्डा कितना था भाई, 6800 था, ठीक है, 6800 × 10^-10 था, ये आ गई एनर्जी, और इसी एनर्जी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। यस क्लियर है भाई, ये तो सेम आ जाएगा, है ना? तो वर्क फंक्शन सेम टू सेम आ गया। अब उसने बोला था भाई फ्रीक्वेंसी भी निकालो, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, सी बाय लैम्डा फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर जो भी एनर्जी निकली है और एच हमें ऑलरेडी पता है, तो एच को दूसरी तरफ ले जाऊं, तो यानी मैं ऐसे कह सकता हूं ई इक्वल एच सी और इनटू सी बाय लैम्डा था, ठीक है? तो सी बाय लैम्डा की वैल्यू हम भरते नहीं है, ई की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी, ऊपर से ई की वैल्यू आ गई, और एच को इस तरफ ले आओ, तो ई की वैल्यू तो ऊपर से आ चुकी है, एच इसके डिवाइड में आ जाएगा और इक्वल आ जाएगा सी बाय लैम्डा, न्यू होता है, इसकी जगह पर मैंने न्यू भर दिया तो न्यू की वैल्यू भी आ गई। यस क्लियर है? और ये न्यू क्या है, ये न्यू नोट है एक्चुअल में, क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी दी थी सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज हो गई, दैट इज व्हाई इट इज न्यू नोट। तो यहां से जो न्यू आएगा वो न्यू नोट आएगा, क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया? ठीक है, यस। यहां देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, न्यू नोट सबसे पहले न्यू नोट निकाल लिया सीधा सीधा, तो सी बाय लैम्डा नोट, न्यू नोट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नोट होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो न्यू नोट सी बाय लैम्डा होता है, सी उसने दे रखा है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो न्यू नोट, इसने डायरेक्ट निकाला, हमने बाद में एनर्जी निकाल के निकाला, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि ये आसान है, ठीक है? तो सी बाय लैम्डा नोट, सीधा सी बाय लैम्डा नोट करके हमने सीधा क्या निकाल लिया, न्यू निकाल लिया, न्यू नोट। वर्क फंक्शन एच इनटू न्यू नोट है, डायरेक्टली एच से मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा आ गया, सीधा दो फॉर्मूलाज के अंदर ही काम खत्म, क्लियर है?
नोट फॉर ईच मेटल देर इज अ करेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नोट विच हैज ऑल्सो एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व. तो ये हम पहले ही कर चुके हैं कि इससे नीचे फ्रीक्वेंसी में तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई नहीं देता. यस गाइज क्लियर है बेटा सबको? इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विद एन की वैल्यू 4 है टू एन की वैल्यू 2. फोर्थ लेवल से मान लीजिए ये फर्स्ट लेवल है, सेकेंड लेवल है, थर्ड लेवल है, फोर्थ लेवल है. यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा था और वो फोर्थ लेवल से सेकेंड लेवल पर आ गया, ठीक है. और वेवलेंथ ऑफ लाइट बतानी है. एम इलेक्ट्रॉन एमिटेड हाइड्रोजन में एमिट हो रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट कैसे पता लगेगी फोर्थ लेवल से सेकंड लेवल पर आ रहा है. ये सेकंड लेवल कौन सा होता है? बाल्मर सीरीज होती है सेकंड, याद है किसी को? एन वन एन टू, यस याद है? यस सर. हाँ सीधा बाल्मर फॉर्मूला यूज होने वाला है, रेडबर्ग फॉर्मूला. न्यू बार क्या होता है? 1 बाय लैम्डा होता है न्यू बार, वेव नंबर जिसे बोलते हैं, आर इंटू 1 बाय एन वन का स्केयर माइनस 1 बाय एन टू का स्केयर. तो रेडबर्ग कांस्टेंट आर की वैल्यू 109,670 पर सेंटीमीटर होती है. ये पर सेंटीमीटर इसे याद रखना, वैल्यू भरी सीधा सीधा लैम्डा की वैल्यू 1 बाय लैम्डा होता है न्यू बार, लैम्डा की वैल्यू उसको पलट दो सीधा आपके सामने आंसर आ गया. क्लियर है? ये समझ में आया? यस. इसमें सीधा फॉर्मूला लगाया 1 by n1 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर. द कलर्स कोरस्पोंडिंग टू दिस वेवलेंथ इज ब्लू. इसका कलर ब्लू होगा. कैसे पता लगा भाई? ये पहली बात तो 400 से 700 नैनोमीटर में अगर कोई वेवलेंथ काम कर रही है तो वो विजिबल होती है, विजिबल है, ठीक है. अब वो 400 लगभग 500 के आसपास जो वैल्यू आती है वो ब्लू लाइन के अंदर आती है. ये अब आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है. Just you should have to learn. Clear है बेटा सबको? ठीक है. Note, N1, N2 is always greater than N1. N2 हमेशा N1 से greater ही होगा. क्यों greater होगा? If N1 1 and 2, then N2 जो है वो N1 plus 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है. अब वो क्यों greater होगा भाई? क्योंकि ऊपर से नीचे आते टाइम ही इलेक्ट्रॉन रेडिएशन छोड़ेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा. याद रखे ना, उल्टा प्रोसेस नहीं करना अपने. क्लियर है ना? ठीक है, ये सबको समझ में आया? यस गाइस, ये सबको समझ में आया बेटा? एक बार और बताऊं? ठीक है, सुनिए फिर तो पूरे को इरेज करते हैं, वापस नए सिरे से करते हैं. देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ क्या है. इसने बोला n की वैल्यू जो है, n एक n है 4, ठीक है, n1 और n2, n2 हमेशा ग्रेटर देन होता है, तो n2 4 है, n1 कितना है वो 2 है, ठीक है. दोनों की वैल्यू हमने डाल ली. अब वो रेडबर्ग फॉर्मूला क्या कहता है? न्यू बार होता है इक्वल आर इंटू 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर. बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना और कुछ नहीं करना. इनटू में जेड स्केयर होता है, जेड हाइड्रोजन के लिए 1 होता है एटॉमिक नंबर, इसलिए जेड को भरने की जरूरत नहीं है. फिर भी मैं बोलूंगा जेड स्केयर लिखो ताकि जेड की वैल्यू 1 है हाइड्रोजन के लिए. तो न्यू बार एक्चुअल में 1 बाय लैम्डा होता है, तो 1 बाय लैम्डा और आर की वैल्यू कितनी है? यहाँ इन्होंने दे भी रखी है 109,670 पर सेंटीमीटर. तो ये वैल्यू आएगी पर सेंटीमीटर में 1 बाय n1 की वैल्यू. n1 क्या होगा भाई? n1 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 की वैल्यू, n2 4 है, 4 का स्क्वायर, ठीक है. और इनटू में 1 का स्क्वायर आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए, जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर है. तो 1 बाय लैम्डा की वैल्यू अब आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, 977 और यहां आ जाएगा 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16, ठीक है. इनटू 1 को वैल्यू नहीं है, दोनों का एलसीएम निकालो, आंसर निकालो. 1 बाय लैम्डा निकल गया, आपको तो लैम्डा निकालना था, तो उल्टा पलट दो इसको, 1 by this one आ जाएगा सीधा आपके पास आंसर आ गया. That's it. Clear है? Yes बेटा. Yes sir. अब एक चीज बताइए मुझे, मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछूंगा. मैंने एक चीज बताई थी लिमिटिंग लाइंस. लिमिटिंग लाइंस क्या होती है? कोई बता सकता है मेरे को लिमिटिंग लाइन क्या होती है? किसी को याद है?
थ्योरी की थी जब हमने लिमिटिंग लाइंस की, इन्फिनिटी। हाँ सही है, इन्फिनिटी। क्या कुछ कुछ सही बताया, क्या इन्फिनिटी, थोड़ा इलेबोरेट कीजिए बेटा। एन की वैल्यू, एन टू की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, एन टू की वैल्यू जब इन्फिनिटी हो मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, बिल्कुल ही बाहर चला गया, समझ गए, एन टू की वैल्यू बाहर से अंदर आ रहा है, यूं समझ लो बाहर से अंदर आ रहा है, एक ही बात है, ठीक है। तो एन टू की वैल्यू जब इन्फिनिटी हो जाती है तो क्या होता है, उसको लिमिटिंग लाइन बोलते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए लिमिटिंग लाइन निकालनी हो तो देखिए क्या निकलेगा, वो न्यू बार इक्वल आर वन बाय एन वन, एन वन कितना है भाई, एन वन इज ऑलवेज एन टू, हमेशा ग्रेटर होता है एन वन से, तो ये टू का स्केयर, सेकेंड शेल में आ रहा था माइनस में, वन बाय इन्फिनिटी का स्केयर। इन्फिनिटी का स्केयर आपको पता ही है, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए वैल्यू वन हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, न्यू बार इक्वल आर की वैल्यू भरे 109 670 और वन बाय फोर और माइनस में वन बाय इन्फिनिटी। वन बाय इन्फिनिटी का स्केयर मतलब लगभग जीरो, जीरो भर सकता हूँ, यस और नॉट, यस सर, यस सर। तो ये आ गया न्यू बार जो है 109 670 मल्टीप्लाई में वन बाय फोर, दैट्स इट। तो ये आपके पास आ गया लिमिटिंग लाइन, ये लिमिटिंग लाइन है जब इन्फिनिटी होती है एन टू की वैल्यू, दैट इज इट। क्लियर है भाई? ओके, यस दैट्स इट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो ये चीजें भी आपको, ये वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, लिमिटिंग लाइंस, इसको लिमिटिंग लाइंस बोलेंगे, ठीक है। जब इन्फिनिटी होती है एन टू इक्वल इन्फिनिटी तो हम उसको बोलते हैं लिमिटिंग लाइन, ये लिमिटिंग लाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज द हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज एन इक्वल 5 ऑर्बिटर, यानी कि पांचवें, एन की वैल्यू पांच है, एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम, जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया ये वही है, ये एन वन की वैल्यू है, एन टू की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, समझ रहे हो, हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इन्फिनिटी वैल्यू, यस बेटा, सबको ये बात समझ में आई, एन टू उसने दे रखा है, यस सर, कितनी एनर्जी लगेगी वो निकालनी है हाइड्रोजन के एटम में इफ वो पांचवें ऑर्बिट में ऑक्यूपाइड है, ऑर्बिट या शेल एक ही बात होती है, ऑर्बिटल अलग होता है, ठीक है ना, याद रहेगा, ऑर्बिटल अलग है, ऑर्बिट या शेल एक ही चीज है। तो देखिए पांचवें में, कंपेयर योर आंसर विद द आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं जब हाइड्रोजन में से, ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन वन से, तो ये अब कंपेयर भी करना है, मतलब एक तो एन वन और एन टू दे रखे हैं इसने, ठीक है, और एनर्जी निकालनी है, तो यहाँ से एन वन एन टू से हमें लैम्डा निकाल लें, हमें एनर्जी निकल जाएगी, सीधी सी बात, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या करें, कुछ और भी किया जा सकता है क्या, देखो अब जरा, एनर्जी क्या होगी, न्यू बार की वैल्यू होती है आर इंटू लैम्डा है, ये लैम्डा है ना, वन बाय एन वन का स्केयर यानी कि 25 माइनस में एन टू का स्केयर यानी इन्फिनिटी का स्केयर, तो इन्फिनिटी का स्केयर तो इन्फिनिटी रहेगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है, ये हो गया। तो आर की वैल्यू हमें पता है वन बाय लैम्डा, तो यहाँ पर हम आर की वैल्यू पुट करेंगे और आर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये तो जीरो हो गया, 1/25, ठीक है, क्लियर है भाई, ये समझ में आया, यहां से आ गया लैम्डा, तो लैम्डा कैसे कैलकुलेट होगा, उल्टा कर देंगे इसको, 25 डिवाइडेड बाय आर, दैट्स इट, वन का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो ये आपके पास लैम्डा आ गया, और लैम्डा किस में आएगा, आर की वैल्यू जिस चीज में लोगे, मीटर में ले रहे हो, मीटर में, सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो पर सेंटीमीटर में आएगा, तो यहां पर मान लो आर की वैल्यू हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो पर सेंटीमीटर आ गया, लैम्डा आ गया, तो एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, ई क्या होता है, एच इंटू न्यू होता है एनर्जी, तो ई क्या होता है, एच इंटू सी बाय लैम्डा, यस, तो एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, यस सर, क्लियर है, तो ऐसे करके हम एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी एनर्जी आ गई कि इसको जब पांचवें ऑर्बिट से बाहर निकालना था तो एनर्जी कितनी आएगी, क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गए, यस सर। अब आगे देखिए, अब उसने बोला कि भाई कैलकुलेट करो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, जरा ध्यान देना, मतलब एन वन इलेक्ट्रॉन पहली शेल में बैठा है और इलेक्ट्रॉन को पहली शेल से मुझे बाहर निकालना है, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, तो इसके लिए भी सेम
ये इसको सेम तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। न्यू बार की वैल्यू क्या आएगी, आर इंटू वन बाय एन वन की वैल्यू वन है, वन का स्केयर वन रहेगा, माइनस में वन बाय इन्फिनिटी का स्केयर, तो इन्फिनिटी का स्केयर तो इन्फिनिटी होता है, तो न्यू बार तो ये आ जाएगा आर मल्टीप्लाई में वन आएगा। यस क्लियर है, वन को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये समझ में आ गया भाई, तो सीधा आर इंटू वन आ जाएगा, आर इंटू वन, ठीक है, वन आ गया, तो वन बाय लैम्डा जो है, क्योंकि न्यू बार वन बाय लैम्डा होता है, वो आर के इक्वल है, तो लैम्डा इक्वल क्या आएगा, वन बाय आर के, तो ये आपके पास में वन बाय आर आ गया, वन बाय आर, इसका लैम्डा आया वन बाय आर, इससे एनर्जी निकाल लो, और उसका लैम्डा कितना था 25 बाय आर, वो 25 गुना ज्यादा था, है ना, वेवलेंथ ज्यादा होती है तो एनर्जी कम होती है, याद रखना, कहीं आप सोचो कि पहली शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो एनर्जी कितनी लगनी चाहिए, ज्यादा लगेगी, पांचवी से बाहर निकालोगे तो एनर्जी कम लगेगी, तो लैम्डा क्या आ रहा है 1/r और 25/r, तो आपको लगेगी ये तो 25 है, ये तो ज्यादा है, ये तो कम होना चाहिए, ये कम ही है, क्योंकि लैम्डा एनर्जी का रिवर्स होता है। ई निकाल लें यहां से, ई इक्वल एच इंटू न्यू, तो ई इक्वल एच इंटू सी बाय लैम्डा, अब लैम्डा नीचे आ रहा है पैरों में, तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी को कंपेयर कर सकते हो, यहां से इसकी एनर्जी निकाल लो इस फॉर्मूले से, यहां से इसकी एनर्जी निकाल लो। यस भाई समझ में आया सभी को? यस सर, क्लियर है, ठीक है। अब ये तो था रेडबर्ग फॉर्मूले से, यहां पर एक और रेडबर्ग फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, वो क्या दे रखा है जरा देखो, 2.18 into 10 power 18 जूल, और एन वन का स्केयर माइनस वन बाय एन टू का स्केयर, ऐसा कुछ दे रखा है, फाइनल टू इनिशियल। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, कोई ये फॉर्मूला बता सकता है, हमने तो ये डिस्कस नहीं किया था, याद है हमने इसको डिस्कस नहीं किया था, ये डेल्टा ई है, कैसे आया, कोई डिस्कस कर सकता है क्या इसको, किसी के दिमाग में आ रहा है कि ये फॉर्मूला इन्होंने अलग करा, मैंने आंसर निकाल दिया, नो वरी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या कोई इस फॉर्मूले को डिस्कस कर सकता है, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो, देखो इन्होंने वही किया, फाइव का स्केयर इन्फिनिटी, ठीक है, वन का स्केयर इन्फिनिटी, लेकिन इन्होंने फॉर्मूला अलग लगाया, हमने कुछ अलग तिकड़मबाजी करी है, बता सकता है कोई? यस सर, हमने ये ऐसा ही फॉर्मूला पढ़ा भी था, लेकिन सर वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का था, ये रहा बेटा, ये है वो, तो सुनिए सुनिए, देखो क्या करा इन्होंने, पता है इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर सीधा डेल्टा ई निकाल रखा है, डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी, पहले फाइनल सेल से इनिशियल सेल में जाएगा तो चेंज इन एनर्जी निकाल रखा है, तो सबसे पहले तो एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो देखो फाइंड डेल्टा ई व्हेन आई, और ये पांच इन्होंने जो दिखा भी रखा है, और उसके लिए सीधा फॉर्मूला दे रखा है, तो डायरेक्ट आप रेडबर्ग फॉर्मूले को ही ऐसे करके मॉडिफाई कर सकते हो, तो इसको मॉडिफाई अगर करना चाहें तो क्या वो वैसा फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ई इक्वल किसके होगा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, न्यू बार इक्वल हमें रेडबर्ग फॉर्मूला पता है, आर वन बाय एन वन का स्केयर माइनस वन बाय एन टू का स्केयर, नो डाउट टू इट, यही है ना रेडबर्ग फॉर्मूला। अब इस आर के अंदर क्या दे रखा है इसने, ये न्यू बार तो होता है वन बाय लैम्डा, ठीक है, इक्वल आर, तो मुझे चाहिए एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, ई इक्वल एच इंटू न्यू, एच इंटू न्यू चाहिए मुझे, तो एच इंटू न्यू के अंदर भी अगर मैं लैम्डा की टर्म में लिखूं तो एच इंटू सी बाय लैम्डा, यस क्लियर है, यस सर क्लियर है, यस सर दोनों साइड, अब मुझे क्या करना है, हाँ नहीं नहीं सुनिए, मुझे क्या करना है, मुझे इसे एनर्जी में कन्वर्ट करना है, वन बाय लैम्डा को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो मैं वन बाय लैम्डा में कितनी एनर्जी होती है इसको निकाल सकता हूँ, देखो जरा लैम्डा को यही रहने देते हैं, एच और सी को नीचे ले जाते हैं, तो ई बाय एच इंटू सी इक्वल होता है वन बाय लैम्डा, यस ये समझ में आया, यस तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ इसको, बाकी सब सेम रख रहा हूँ, देखो वन बाय एन वन का स्केयर माइनस वन बाय एन टू का स्केयर, ठीक है, तो ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना लगे कि ये फॉर्मूला हमने करा ही नहीं है, तो देखो मैंने इसको इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाला, नो डाउट ये ऐसे भी निकल जाएगा इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी आपको वो देख के और लगे कि सर ने शायद ये चीज ऐसी कुछ बताई नहीं, तो ये इसी से मिलकर बनी है, फालतू की सिरदर्दी है कुछ नहीं है, तो देखिए क्या है, तो वन बाय लैम्डा की जगह मैं लिख रहा हूँ ई बाय एच इंटू सी इक्वल आर और वन बाय एन वन का स्केयर माइनस वन बाय एन टू का स्केयर, क्लियर है, अब ये जो एनर्जी निकलेगी तो मैं अब यहां लिख सकता हूँ ई इक्वल
एच सी इंटू आर लिख सकता हूं, क्लियर है? तो बस यही हो गया, बस अपना निकला। अब एच सी आर को जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो 21.2.18 इंटू 10 पावर समथिंग समथिंग निकलेगा। तो उसने इस एच सी आर की मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ई की वैल्यू निकाल रखी कि इन दोनों के एनर्जी लेवल में गैप कितना है। तो एनर्जी लेवल का गैप निकाल रहा है ना फर्स्ट और लास्ट का, या पांचवें और छठे का, जो भी निकालेगा। तो यहां हम इसे डेल्टा ई कहेंगे, ई नहीं, ये डेल्टा ई निकलेगा, क्लियर है? तो यहाँ इसलिए इसने डेल्टा ई लगा रखा है, 2.18 into 10 power minus 18 जूल। जूल तो यहाँ लगना चाहिए, सीधी सी बात, लास्ट में लगेगा जूल, ठीक है? यहाँ नहीं लगेगा, ये लास्ट में लगेगा, क्योंकि ये सारा ओवरऑल एनर्जी आएगा, क्लियर है? सभी को समझ में आया? ये कहाँ से आया? इस टर्म को याद रखने की बजाय डायरेक्ट हमें जो पता है हम डायरेक्ट उसी टर्म से इसको निकाल सकते हैं, नो डाउट इट। फिर भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको पता है ये भी रेडबर्ग फॉर्मूला से ही डिराइव हुआ है, तो आप यहां से इसको देख सकते हैं, ये यही होता है, ठीक है? तो मैं यहां इसे लिख सकता हूं, डेल्टा ई इक्वल 2.18 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19, और बाकी सेम टू सेम, क्लियर है भाई? यस सर, बस यही है। तो यानी 10 रेज पावर माइनस 18 होता, 18 है भाई, 18 है, ठीक है, 18, दैट इज 18, ओके, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके सामने सीधा सीधा आंसर यहाँ से निकला है, कैसे भी निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। जब इन दोनों को कंपेयर करोगे, वो बोल रहा है 25 टाइम है एक का, वो यहाँ से लैम्डा ही जब 25 टाइम दिखाई दे रहा है, लैम्डा में डिफरेंस 25 है, तो डेफिनेटली एनर्जी में भी 25 का डिफरेंस अपने आप आ जाएगा, क्योंकि और बाकी की वैल्यूज सेम है, वो कट कट आ जाएंगे। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े? यस सर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 सीधा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एन की वैल्यू 6 ड्रॉप टू द ग्राउंड स्टेट। याद है मैंने बोला था कि इसका फॉर्मूला आएगा, मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा इसको कि इसमें टोटल कितनी लाइनें आएंगी, और मैंने एक डायग्राम याद करने के लिए बोला था। तो किसी को डायग्राम याद है क्या? फॉर्मूला होता है एन एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है? अब बहुत सारे फॉर्मूले याद करने की बजाय इसका सीधा डायग्राम से हम कर सकते हैं। तो डायग्राम देखो क्या था, याद है किसी को डायग्राम? एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, फिफ्थ एनर्जी लेवल, और ऊपर सिक्स्थ एनर्जी लेवल, ठीक है? तो ये भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये एनर्जी लेवल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करनी है उसने, कहां पर आ गया 6, n अगर n 6 है ड्रॉप टू द ग्राउंड से, छठे लेवल से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर गिर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस क्या होंगी जब इलेक्ट्रॉन छठे लेवल से नीचे गिर रहा है। देखो बेटा, छठे लेवल से यहां से इलेक्ट्रॉन कहां गिर सकता है? पहले लेवल पर आ सकता है, सबसे पहले तो ग्राउंड लेवल पे आ सकता है, आ सकता है, फिर yes, sir, पहले लेवल पहले पर भी आ सकता है, क्या बेटा? सिक्स लाइन ही होंगी ना इसकी, कितनी होंगी? सिक्स। सुनिए बेटा, अभी निकालते हैं, वेट, कोई बात नहीं, ठीक है, एक बार रुकिए। देखिए, छठे लेवल से पहले में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, छठे लेवल से मतलब दूसरे में रह सकता है, दूसरे में रह सकता है, फिर छठे लेवल से तीसरे में रह सकता है, छठे लेवल से चौथे में रह सकता है, छठे लेवल से पांचवें में भी रह सकता है, क्लियर है भाई? ये सबको समझ में आ गया? यस सर। 1 2 3 4 5 6, छह लाइनें तो सीधी सीधी आपके पास आ रही हैं। अब बताओ, अब वो पांचवें से, अब पांचवें लेवल से हम उसको गिराना शुरू करते हैं, पांचवें से कहां जा सकता है, सोचो जरा, पांचवें से सीधा ग्राउंड में भी आ सकता है, पांचवें से पहले लेवल में भी आ सकता है, क्योंकि पांचवें लेवल पर अगर है तो पांचवें से वो पहले पर भी आ सकता है, पांचवें से वो दूसरे पर भी आ सकता है, पांचवें से चौथे पर भी आ सकता है, तीसरे पर भी आ सकता है, तीसरे पर, और पांचवें से वो चौथे पर भी आ सकता है, क्लियर है? अब पांचवें से अगर वो चौथे पर आया तो चौथे से वो वापस ग्राउंड स्टेट में जा सकता है, समझ में आया सभी को? ये समझ में आ रहा है, क्योंकि चौथे पर आएगा तो ग्राउंड पे तो पक्का जाएगा, ठीक है? और फिर वो पहले पर भी आ सकता है, दूसरे पर भी आ सकता है, और पांच में से तीसरे पर भी आ सकता है ना?
और जब वो तीसरे पे आ जाएगा, तीसरे से वापस ग्राउंड पर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है तीसरे से, उसको जाना तो ग्राउंड पे ही, याद रखना तीसरे से दूसरे पर भी आ सकता है और तीसरे से पहले पर भी, मतलब दूसरे पर भी रह सकता है और पहले पर भी रह सकता है। अब जब दूसरे पे रह गया तो दूसरे से सीधा ग्राउंड स्टेट में आएगा और दूसरे से सीधा पहले स्टेट में भी आ सकता है। अब पहले पर आ गया तो पहले से डायरेक्टली अब ग्राउंड में आएगा। क्लियर है, समझ में आया सभी को? इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल में कहीं भी जा सकता है। तो छह लाइनें तो ये थी, ये कितनी होगी, एक दो तीन चार पांच, छह और पांच ग्यारह, ऐसे तो ये ग्यारह बन गई क्या? फिर एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार पांच छह, छह ये बन गई। ऐसे करके तो बहुत सारी लाइंस आएंगी कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी किसी भी लेवल से ऊपर नीचे से जा सकता है। तो इसके अंदर क्योंकि ऐसा काउंट करने में कुछ कंफ्यूजन्स भी होती हैं, कुछ गलतियां भी होती हैं कि हम किस लेवल से इसको गिरा सकते हैं, किस लेवल से नहीं गिरा सकते, कौन कौन से लेवल से गिरेगा। तो जो मैंने आपको डायग्राम याद करवाया था उस डायग्राम से ये निकल सकता है, लेकिन वो वाला डायग्राम बार बार लगाने पर याद रख लेना। और अगर ये लेवल आ गया कि इलेक्ट्रॉन बारहवें लेवल पर है तो काउंटिंग ऑफ लाइंस जो है वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बारहवें लेवल से आप डायग्राम बनाओगे पहला दूसरा तीसरा चौथा तो सभी लेवल्स को उसको काउंट करना होगा मुश्किल, और ये करेगा कंफ्यूजन पैदा। इसलिए सीधा फॉर्मूला लगता है एन, हालांकि आप उससे भी काउंट कर सकते हो, नो वरी, लेकिन मैं वो कंफ्यूजन क्रिएट करके बता रहा था कि क्या होती है। अब देखिए एन, एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, सीधा लगाइए, एन की वैल्यू है सिक्स, सिक्स में से एक घटा दीजिए पांच, ये तीस डिवाइड बाई टू पंद्रह आ गया, सीधा फॉर्मूला। क्लियर है बेटा? अगर सही कैलकुलेट करोगे तो ठीक है, बट वो कैलकुलेशन में ही गड़बड़ होती है। दैट इज वाई इसको सीधा कैलकुलेट करने का तरीका यही है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो। हाँ, कुछ छोटी वैल्यूज हैं, छोटी लाइनें हैं, तो उनको आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे दूसरे या तीसरे लेवल से आए तो वो आसान होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ अगर मैं एन की वैल्यू कहूँ, एन इक्वल वन, नहीं टू कर देते हैं, है ना, एन की वैल्यू टू है, तो सेकेंड लेवल से अगर आप गिरा रहे हो तो क्या आएगा, ये टू इंटू टू माइनस वन डिवाइड बाई टू, टू में से वन गया वन, वन को मल्टीप्लाई करेंगे टू बाई टू, यानी कि वन, अकेली एक ही लाइन आएगी। सेकेंड लेवल पर है इलेक्ट्रॉन, ये देखिए फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, सेकंड लेवल से अब ये सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल पर आ सकता है और फिर फर्स्ट के बाद यहां जा सकता है, तो आनी तो ये एक नहीं दो लाइनें आनी चाहिए भाई, कैसे निकल रहा है ये टू माइनस एन की वैल्यू है टू, सेकंड लेवल से इलेक्ट्रॉन आएगा ये सर, यही तो 21 आ रही थी सर ऐसे। हाँ, ये फॉर्मूला सही अप्लाई नहीं हो रहा है। यस सर, कुछ गड़बड़ है इसमें, इन्होंने शायद सॉल्यूशन सही नहीं दे रखा फिर यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें तो कम से कम टू लाइनें तो पक्का आएंगे। सर ये n स्क्वायर तो नहीं है जो बाहर है, देखें रुको इसको करके देखते हैं, रुको रुको रुको, n का स्क्वायर होता है क्या ये, n स्क्वायर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, n स्क्वायर करेंगे तो जो 4 डिवाइड बाय 2 2, हां स्क्वायर होना चाहिए, 6 6 36 36 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 6 30 5 या 15 18, नहीं ये तो ज्यादा आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, कुछ और वैल्यू होनी चाहिए अभी, n फैक्टोरियल टाइप में तो नहीं है। अब रुको जरा, चलो देखते हैं इसको, मैं बताता हूँ इसे ये एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है। n प्लस 1 तो नहीं होता क्या? क्या n प्लस 1, n प्लस 1 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 n भी होता है मल्टीप्लाई में सर, इनटू में n, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ये होगा फार्मूला। यस सर, यही सात सात ना, नहीं सर इससे तो और ज्यादा आएगी, 21 नहीं सही है, 21 आएंगी सही है, ये प्लस होने वाला फार्मूला। यस सर, इसमें गलती तो है बिल्कुल है, ठीक है। हालांकि देखो उस फॉर्मूले उससे काउंटिंग में गलती आती होती है, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई करना बेटर है। अगर n इक्वल्स टू 2 रखे तब 3 आएगी लाइन, सही आएगी ना, मतलब n की वैल्यू 2 रखते हैं 2 एंड 1 3 हो गया, 3 * 2 6 / 2 3 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 3 तो सही है। हां कैसे आएगा देखो, ये n की वैल्यू 1 है ये 2 है, सेकंड लेवल पर था तो पहले लेवल पर आ सकता है, पहले से
ग्राउंड पर आ सकता है और सेकंड से डायरेक्टली ग्राउंड पर आ सकता है, तो टोटल तीन आएगा। यस समझ में आया? यानी कि इसलिए बोल रहा था कि छोटी लाइंस को यहां से कैलकुलेट करना आसान होता है, फॉर्मूला कई बार अगर दिमाग में ना रहे, और यहाँ ये फॉर्मूला इन्होंने गलत दे रखा था। ठीक है, अभी करेक्ट हो गया भाई फॉर्मूला, इसको करेक्ट कर लेना बेटा, आप लोग भी नोट कर लेना, एन प्लस वन मल्टीप्लाई में एन है। ठीक है, ऐसी मिस्टेक्स कई बार ध्यान नहीं आती है। क्लियर है भाई सबको? क्लियर हो गया अभी? और ये आएगा 21, दैट विल बी द आंसर, है ना? यस सर। इसका आंसर फिर 21 होने वाला, 21 आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला गलत दिया होता। चलो ये समझ में आया फॉर्मूले को, अब याद रख लेना, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल पर एटम होगा, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट के पास एनर्जी दे रखी है, पांचवें ऑर्बिट की एनर्जी पूछ रखी है इन्होंने, फिफ्थ ऑर्बिट की। कैसे पता लगेगी? En की वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला याद है किसी को? 2.1 × 10⁻¹⁸ n स्क्वायर होता है, E1, n की वैल्यू 1 करोगे तो यही एनर्जी आ जाएगी, n की वैल्यू 5 करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 से डिवाइड हो जाएगा, ये पांचवें ऑर्बिट की एनर्जी आ गई। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? पहला गया। दूसरा, कैलकुलेट द बोहर एनर्जी फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, तो पांचवें ऑर्बिट के अंदर सीधा सीधा कैलकुलेट होगी। उसके बाद फॉर द हाइड्रोजन एटम रेडियस, दूसरा क्वेश्चन ही नहीं पूछ रखा इसने। ठीक है, ये मिसिंग करते हैं अभी थोड़ी सी। फॉर हाइड्रोजन एटम रेडियस भी पूछ रखी है nth ऑर्बिट के अंदर, तो nth ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है? 52.9 पिकोमीटर, या फिर यहां पर एंगस्ट्रॉम में 0.529 × n स्क्वायर होता है, a नॉट n स्क्वायर। ठीक है, सीधा फिफ्थ ऑर्बिट की रेडियस आ गई 1.3225। फॉर्मूला अप्लाई करना सीधा। समझ में आ गया बेटा सबको? ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया? किसी को नहीं आया? गाइस बता तो दो बेटा, किसको समझ में आया नहीं आया? क्या कह रहे हो? सेकंड पार्ट समझ में आया? देखो उसने क्वेश्चन में नहीं दिया था, सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा था? रेडियस पूछी थी, रेडियस पूछ रखी उसने सेकंड पार्ट के अंदर, और रेडियस कौन से? एन की वैल्यू 5, तब रेडियस बताओ जब फिफ्थ ऑर्बिटल के अंदर है, शेल के अंदर है इलेक्ट्रॉन। तो देखो पहला ऑर्बिटल, पहली शेल, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी, यहां से यहां फिफ्थ शेल में ये रेडियस बतानी थी। तो उस रेडियस का फॉर्मूला है सीधा सीधा 52.9, ये ए नॉट की वैल्यू है, इनटू एन स्क्वायर, तो एन है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 52.9 की जगह, पिकोमीटर की जगह इन्होंने एंगस्ट्रॉम ले रखा, एंगस्ट्रॉम को बाद में नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, बस इतना ही किया। यस क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी किसी और को डाउट है? अब भाई ऊपर जो है याद रख लेना, ये नया फॉर्मूला था और इसमें गड़बड़ भी थी, n n प्लस 1 के हिसाब से निकलेगा। अगर हम वैसे लाइंस निकालते हैं तो ऐसे शायद ये सारी सही लाइन ही निकल जाएंगी। ठीक है, बट ये वाला टेडियस मेथड होता है, अगर इसमें n की वैल्यू 15 दे दे, 20 दे दे, तो n की वैल्यू के हिसाब से बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इस फॉर्मूले में यहाँ कम टाइम लगेगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। बाल्मर सीरीज के अंदर एटॉमिक हाइड्रोजन में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो बाल्मर सीरीज क्या होती है पहले तो ये बताइए, किसी को याद है बाल्मर सीरीज क्या होती है? N1 की वैल्यू 2 होती है, वो बाल्मर होती है, N1 इक्वल टू, ये बाल्मर सीरीज है। और बाल्मर सीरीज में सुनो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी है। ठीक है, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर बाल्मर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, यानी लैम्डा की वैल्यू बतानी है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी का मतलब N2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3rd लेवल, इससे ज्यादा वाला लेवल नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आई सभी को? मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी है, तो मिनिमम एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी कब हो सकती है? बाल्मर सीरीज में N1 की वैल्यू 2 होती है, डेफिनेटली N1 से ऊपर ही जा सकते हो आप, यानी 2 से ऊपर ही जा सकते हो, 3, 4, 5, 6 कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर है? तो मिनिमम
थर्ड वैल्यू होनी चाहिए, तभी उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम आएगी और एनर्जी मिनिमम आएगी, क्योंकि वेवलेंथ एनर्जी के रिवर्स होती है। ये बात क्लियर हुई सभी को? यस सर। यस सर। यानी हमें N1 और N2 पता लग गया, दैट इज इट। तो यहां से हमें N1 N2 पता लग गया, तो अब आपके सामने सीधा सीधा वेवलेंथ निकाल दो, वेवलेंथ कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ न्यू बार ही निकाल सकते हैं हम। वेवलेंथ क्या निकालेंगे? 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, जेड की वैल्यू 1 होती है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। न्यू बार क्या होता है? 1/लैम्डा होता है। आर की वैल्यू 109/670 पर सेंटीमीटर, और N1 की वैल्यू किसने दे रखी है? 2 का स्क्वायर 4 होता है। N2 की वैल्यू कितनी है? 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 1/4 1/9, दैट्स इट, सॉल्व इट। ये आपके सामने सीधा सेम टू सेम है, पर सेंटीमीटर में आंसर आएगा। ये पर सेंटीमीटर में आ गया, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट में, तो ये मीटर में आ जाएगा। क्लियर है भाई? Yes, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं बेटा। तो नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द जूल रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट टू द फिफ्थ बोहर ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट से, पहली शेल से पांचवी शटल के अंदर भेजना है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। और उसके बाद में वापस बुलाना है उसको ग्राउंड स्टेट में, पहले से पांचवें में भेजना है और वापस बुलाना है। तो जितनी एनर्जी उसने ली है उतनी तो वापस छोड़ेगा, क्लियर है ना? तो वो तो दोनों बराबर होने वाले हैं। द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रही है 2.18 × 10⁻¹¹ अर्ज, अर्ज में दिया हुआ है। अर्ज क्या होता है? किसी को अर्ज और उसमें कन्वर्ट करने के लिए यहां पर इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा भी। देखो, वन अर्ज जो होता है वो इक्वल होता है 10⁻¹⁷ जूल। अब ये डाटा आपको याद रखना क्वेश्चंस के अंदर, ये यूनिट बहुत जगह पे यूज होता है, वैसे ये पांचवें लेसन के अंदर आएगा यूनिट, जनरली वहां पर हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर के अंदर। लेकिन फिलहाल यहां पर आ रहा है तो यहां भी आपको याद रखना पड़ेगा, यूनिट कन्वर्जन, एनर्जी का यूनिट कन्वर्जन। क्लियर है? याद रहेगा सबको? यस सर जी। है ना, वन अर्ज इक्वल 10⁻¹⁷ जूल होता है। तो एक जूल में कितने अर्ज होते हैं वो आपको पता लगेगा। एक कैलोरी भी होता है, 4.184 कैलोरी के अंदर, मतलब इतने जूल में वन कैलोरी होती है, कैलोरी बड़ी होती है जूल से, 4.184 के बराबर होती है। वो भी जब आएगा तब आप वहां याद कर लेना, अभी जरूरी नहीं कि उसका यूनिट अभी याद करो, यूनिट कन्वर्जन लर्न करना है। तो देखो भाई, पांचवें लेवल में था, पांचवें से पहले में तो हमने एक पीछे फॉर्मूला किया था ना, ये वाला 2.18 × अर्ज में ही डायरेक्ट दे रखा, वैसे वो 18 था, -18, ठीक है। तो यहाँ आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, या फिर हमने जैसे किया था, यानी कि लैम्डा निकाल लिया और न्यू बार निकाल लिया, क्या है आर, और 1/N1 की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस में N2 की वैल्यू कितनी है? 5वां, यानी कि 25 आएगा। क्लियर है? ये अब ये वैल्यू क्या निकली? न्यू बार की, यानी 1/λ निकला, ठीक है, आर इंटू, और लास्टली हम इससे क्या करेंगे, आर इंटू, ये तो वही रहेगा 1 - 1/25, ठीक है। अब 1/ है तो इसको पलट देंगे, पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा, लैम्डा इक्वल 1/R × 1 - 1/25, ठीक है, ये लैम्डा आ गया। लैम्डा से क्या निकालें, एनर्जी E इक्वल H × ν होता है, लेकिन यहाँ E इक्वल H × c/λ आ जाएगा बस। तो अब आप लैम्डा पुट कर सकते हैं, सी पुट कर सकते हैं, और लैम्डा को नीचे पुट कर दीजिए, वापिस पलट जाएगा, ये सिंपल सी बात है। यानी ऊपर वाली वैल्यू 1/λ की वैल्यू डायरेक्ट यूज कर सकते हैं यहां पर, ये 1/λ ही। देखो सबसे पहले क्या हमें निकालना है, न्यू बार, न्यू बार N1 1/N1 का स्क्वायर, 1/-1/N2 का स्क्वायर होता है, ये रेडबर्ग फॉर्मूला है, रेडबर्ग फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब इसके बाद में, अरे ये तो मैं ऊपर वाला बताने लगा, सॉरी, वही सेम टू सेम फॉर्मूला, नीचे भी यही अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो ये देखो, न्यू बार इक्वल R × 1/N1 का स्क्वायर, N1 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -1/N2, N2 बोला पांचवें ऑर्बिटल में जाता है इलेक्ट्रॉन, पहले से पांचवें में, तो पांचवें में इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहां से मेरे पास 1/25 आ गया, 5 का स्क्वायर, ये आ गया 1/λ इक्वल R × 1 आ गया। मुझे चाहिए एनर्जी, एनर्जी होती है 1, है ना, मेरे को तो एनर्जी का गैप चाहिए था, तो एनर्जी क्या आ जाएगी, E = H × c, मल्टीप्लाई में 1/λ है ना, तो 1/λ की जगह तो मैं सीधी वैल्यू भर सकता हूँ, R × 1 - 1/25, यस, ये वैल्यू भी भर सकता हूँ, वरना आप इसे पलट के ऐसी वैल्यू भी बना सकते हैं, वरना डायरेक्ट इसी को भर दो। क्लियर है? 1/λ की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आ गई एनर्जी। तो पहले और पांचवें लेवल में एनर्जी का गैप जो आएगा वो अर्ज में हमारे पास इतना आ जाएगा,
आप इसकी जगह पर ये वाला फॉर्मूला यूज करके अर्ज में डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे पास यहाँ अर्ज में नहीं आएगा, ये सेंटीमीटर में ले रहा हूं यहां पर मैं इसको, तो लैम्डा आएगा मेरे पास सेंटीमीटर में, मुझे लैम्डा को मीटर बनाना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर से जब मीटर बनाते हैं तो क्या होता है, अभी 100 से डिवाइड, तो मैं इसको पूरे को 100 से डिवाइड कर दूंगा, अब मेरे पास जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, याद रख लेना। क्लियर है? डायरेक्ट लैम्डा नहीं यूज करना, जूल बनाने हैं तो स्टैंडर्डाइज कीजिए यूनिट्स को, तो जूल के अंदर आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वाला आंसर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टेन अपॉन माइनस 18 लगा के, 18 लगा देंगे तो ये जूल बन जाएगा। क्लियर है भाई? उनका फॉर्मूला, ये वाली वैल्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप वो पीछे हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था अभी भी याद है सभी को, यस और नॉट? क्लियर हो रहा है सबको? यस सर, यस सर। याद रखिएगा, अमन पूछ रहा है अटेंडेंस, हाँ बेटा अटेंडेंस हो गई है, मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ आपकी, रुकिए अमन की अटेंडेंस देखते हैं। सर आयुष नाम है, आयुष नाम है सर, आयुष, आयुष कुमार, आयुष कुमार, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। आयुष राज सिसोदिया इज दिस? No, या आयुष कुमार है सर, आयुष कुमार, आयुष कुमार है, ठीक है ठीक है, मिल गया। ओके, प्रेजेंट लग गई बेटा आपकी। सर ये अभिजय पांडे की प्रेजेंट लगा दी आपने, एक्चुअली मेरा यहाँ नेट लैग हो रहा है, गांव में आ रखा हूँ मैं। अभिजय मैं देखता हूँ बेटा, आपकी प्रेजेंट भी लग गई बेटा, ठीक है। कोई और बचा है तो बोल दो। सर वंदिता, मैंने क्लास से ज्वाइन की थी। वंदिता, वंदिता की प्रेजेंट देखता हूँ। सर, सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए सर, ये वाला। एक मिनट बेटा मैं दिखाता हूँ, पहले मैं अटेंडेंस देख लूँ। वंदिता, ठीक है बेटा, आपकी भी प्रेजेंट लग गई है। क्या चाहिए क्वेश्चन? यस सर, ठीक है, ये देखो क्वेश्चन क्या है? वो बोलता है हाइड्रोजन जूल के अंदर रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट बोहर ऑर्बिटल, फर्स्ट बोहर ऑर्बिटल एन की वैल्यू वन दे रखी है, टू फिफ्थ बोहर ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप कितना होगा? तो हम एन की वैल्यू की जगह पर सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्टली आप ये लगाइए, न्यू बार निकाल लिया जिससे लैम्डा निकाल लिया, लैम्डा से एनर्जी निकाल ली, इक्वल एच इनटू न्यू होता है ना, यहां से आपने। यस बेटा, What is the wavelength of light emitted when the electron return? यानी कि लैम्डा फिर से निकालने के लिए बोल रहा हो, इन दोनों की एनर्जी गैप में लैम्डा, मतलब लैम्डा यहाँ हमने डायरेक्ट निकाल ही रखा, ये रहा लैम्डा, ये डायरेक्ट इसमें पुट करो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, वेवलेंथ भी पूछी है और ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतने अर्ज है, ये उसने बोला है ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतने अर्ज है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज इतने अर्ज, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ग्राउंड स्टेट की कितनी एनर्जी है, क्योंकि एन वन से ही तो उसे उठाना है ना, तो या इन्होंने डायरेक्ट वन का स्केयर और ये फाइव का स्केयर करके डायरेक्ट एनर्जी निकाल रखी, आप ऐसा भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? सबको समझ में आया? यस सर। तो सर इस बार क्वेश्चन में सर अगर हम इसको नहीं देखते हैं कोई यूज ही नहीं है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी के से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी दिखाने का मतलब ये, यहाँ इन्होंने इसको यूज कर रखा ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हम एन वन एन टू के हिसाब से वहां पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अपने इस फॉर्मूले में भी दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, ठीक है, कोई भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन लगता है, नैतिक प्रेजेंट सर, कौन बेटा? नैतिक, ठीक है, नैतिक देखता हूं मैं। यस सर, ठीक है, नैतिक की प्रेजेंट हो गई है, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर इसमें 20 क्वेश्चन भी है क्या? 20 नहीं है बेटा, शायद 20 से ज्यादा है इसमें, देखें कितने क्वेश्चन हैं, 23, 27, 30, 33, 35, 38, 42, 45, is this 46, ज्यादा है भाई ये तो, काफी ज्यादा है, 50 प्लस है, 51, 52। सर एक बच्चा बोला 67,
57, 59 है, 60, 67, 60, 60, ओके, हाँ 67 है, यस 67 है भाई। अब देखिए आज मैं आपको जो बता रहा हूँ जितने क्वेश्चंस हो जाएंगे उतने ही होंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के आप लोग सॉल्व करोगे, क्योंकि नेक्स्ट डे से फिर हम नेक्स्ट लेसन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, 19वें क्वेश्चन के ऊपर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी अब कल की क्लास में आप नया चैप्टर शुरू करोगे, परसों? हाँ कल की क्लास के अंदर, कल या परसों जब भी आपकी क्लास है। और वन मोर थिंग, आपकी क्लास कब है? कल है सर, परसों है, परसों है, कल क्लास नहीं आप लोगों की? नो सर। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आपकी क्लास होगी तो मैं नेक्स्ट लेसन ही शुरू करूंगा, बट मैं कल और परसों की लीव पर हूँ, तो परसों शायद आपको कोई दूसरा टीचर अटेंड करेगा। सर, अगर आप ना होगा तो प्लीज सर लेक्चर मत रखना आप, फिर कोई और टीचर आ जाता है फिर उनका समझ नहीं आता। अरे सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिए, ये ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि अगर कोई टीचर लीव पर जाता है तो दूसरे बच्चे उसको उस क्लास को वो करते हैं, मतलब उस क्लास को ज्वाइन करते हैं। आप लोगों को अगर वो टीचर जो भी करवा रहे हैं उसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, ये आपका फायदा है, ठीक है। नीड नॉट टू स्ट्रेस इट आउट, आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिवाइज इट जो हो रहा है क्लास में। और अगर आपको लग रहा है कि भाई नया कुछ शुरू हुआ है तो उसको भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, टीचर्स मैं आपको वो वापस फिर से रिवाइज करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। हम नया अपने हिसाब से नया स्टार्ट करेंगे, डोंट नो वरी अबाउट दिस, ठीक है, तो उसकी चिंता मत कीजिए। मतलब मुझे पता है कि एक टीचर करवाने का तरीका अलग हो सकता है दूसरे से, तो हो सकता है कि हमारे फ्लो में कुछ डिफरेंस आ जाए, ठीक है। तो मुझे या तो उनका लेक्चर देखना पड़ेगा उस टीचर का, कि उन्होंने क्या करवाया, क्या क्या पढ़ाया, या उनके नोट्स चेक करने पड़ेंगे, है ना। फिर मैं उसको रिवाइज तो डेफिनेटली करवाने वाला हूँ, तो फिर उसका मीनिंग ही नहीं बनता, तो हम उसको अपने सिरे से अपने हिसाब से अलग तरीके से करेंगे, नो वरी। लेकिन आप रिवीजन के हिसाब से, टीचर भी वहां कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन जरूर करवाते हैं, ठीक है, कुछ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, आपको रिवीजन हो जाएगी, इट विल बी बेटर टू यू, जस्ट सुनने के लिए लेक्चर जरूर अटेंड करना, ठीक है बेटा। तो कल और पर रहने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए आगे है, द इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज गिवन टू En, En की वैल्यू दे रखी है इतने n स्क्वायर, ये वही फॉर्मूला दे रखा है डायरेक्ट, ठीक है, ये तो हमें पता ना, 2.18 × 10⁻¹⁸ पर n स्क्वायर जूल पर एटम के हिसाब से दे रखी है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्रॉम n2 ऑर्बिट, n2 में से बाहर निकालना है, n1 में से नहीं, तो n2 में जितनी एनर्जी है पहले तो वो कैलकुलेट कर लो, तो En को E2 यानी कि सेकेंड शेल में जो एनर्जी है वो कितनी निकलेगी, −2.18, ठीक है, −18, है ना, और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर आ जाएगा, जूल, ये आ गई जूल, इतनी एनर्जी एक एटम में को निकालने के लिए बाहर निकलेगी, रिमूव द इलेक्ट्रॉन बट n2 यानी n2 में इतनी है, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, आपको बाहर निकालने के लिए क्या करें भाई बताइए जरा, हाँ यहाँ एक ना ट्रिक लगेगी, अगर किसी को पता है तो मेरे को बताओ, ट्रिकी टाइप में है ये, मतलब आप लोगों को पता है ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब वो बाहर निकल जाता है कितनी होती है, एटम से बाहर होता है कितनी एनर्जी होती है, ये मैंने बताया था, जीरो, जीरो, एटम से बाहर जीरो है, अभी उसकी एनर्जी माइनस में है, ये मैंने निकाल दी एनर्जी, सेकंड शेल में इतनी एनर्जी है, मुझे कितनी करनी है, जीरो करनी है, कितनी रिक्वायर्ड है, यू कैन फाइंड दैट, जीरो माइनस दिस वन, यस, समझ में नहीं आ, नहीं समझ में आ, ये तो पता लग गया कि सेकंड शेल में एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी है, आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, बाहर एटम से बाहर, उसकी एनर्जी कितनी होती है, जीरो जूल, ये हम मानते हैं, हमें पता वो जीरो होती है भाई, बाहर मतलब मुझे उसकी एनर्जी जीरो करनी है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है, एनर्जी है माइनस का 2.18 × 10⁻¹⁸ डिवाइडेड बाय 4, इतने जूल एनर्जी है और मुझे एनर्जी करनी है, होनी चाहिए जीरो, होनी चाहिए जीरो, तो कितनी एनर्जी की जरूरत है कि वो जीरो हो जाए, ये माइनस की है ना, प्लस की इतनी एनर्जी की जरूरत है कि वो जीरो हो जाएगी, यस, है ना, हाँ बिल्कुल सिंपल है भाई, माइनस में एनर्जी है, प्लस की करनी है,
सॉरी जीरो करनी है, प्लस कर दो उतनी प्लस की एनर्जी दे दो, जीरो हो जाएगी उल्टी वाली एनर्जी, बस बात खत्म। तो ये अब आपको समझ में आएगा व्हाट इज द, तो एनर्जी तो आपको पता लगी कितनी चाहिए, वो प्लस की एनर्जी चाहिए। अब ये कह रहा है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज टू कॉज दिस ट्रांजिशन। सेंटीमीटर में वेवलेंथ निकालनी है, वैसे तो मीटर में निकलती होती है, तो हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला इक्वल एच इंटू न्यू होता है, होता है। तो मुझे अब यहाँ वेवलेंथ निकालनी, उसने वेवलेंथ बोला तो मैं सी बाय लैम्डा कर दूं, कर सकता हूं। अब ये जो प्लस की एनर्जी है ना 2.18, जो प्लस की 2.18 है, क्योंकि मुझे ये प्लस की एनर्जी चाहिए ताकि ये जीरो हो जाए, है ना। तो प्लस की 2.18 एनर्जी मल्टीप्लाई में 10^-18, ठीक है, और भी कुछ है नहीं, नीचे इसके 4 है, ठीक है। ये एनर्जी इक्वल किसके होगी, एच, एच की वैल्यू कर दो 6.626 × 10^-34 मल्टीप्लाई में सी की वैल्यू 3 × 10^8, ये मीटर पर सेकंड होता है, तो मुझे मीटर पर सेकंड में ही आंसर मिलेगा, याद रख लेना, ठीक है। डिवाइड बाय लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू मैं निकालूंगा लेफ्ट राइट करके, तो मेरे को मीटर में मिलेगी, मिलेगी मीटर में, क्लियर है। इसको उसने बोला सेंटीमीटर में बनाओ, बस सेंटीमीटर में बना दो इसे, क्लियर है भाई, समझ में आ गया। यस सर। अब उसने बोला लॉन्गेस्ट, अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्यों कह रहा है, वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है इसका मतलब एनर्जी क्या है, मिनिमम लोएस्ट, सबसे कम वाली एनर्जी है। अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट से थोड़ी छोटी कर दोगे, यानी शॉर्ट करोगे वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हमें तो मिनिमम एनर्जी चाहिए थी, इसका मतलब मैक्स, ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो जितनी माइनस में उसको जीरो करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए प्लस वाली डाल दी हमने। अब मिनिमम एनर्जी इतनी चाहिए, तो वेवलेंथ भी तो मैक्सिमम आएगी, मिनिमम नहीं आएगी, क्योंकि वेवलेंथ एनर्जी का रिवर्स होता है, तो इसलिए उसने मैक्सिमम लिखा, व्हाई इट इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट। समझ में आ गया लॉन्गेस्ट क्यों लिखा हुआ है, क्लियर है, निकलेगी yes, फॉर्मूला वही लगेगा, लैम्डा ही निकालना, लेकिन वो लॉन्गेस्ट वाला ही आएगा, बस सीधी सी बात ये। अब देखो आगे भाई, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी, वेवलेंथ बतानी है जिसकी वेलोसिटी उसने बता रखी है, वेलोसिटी पता करनी है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा की वैल्यू बतानी है इलेक्ट्रॉन की, और वेलोसिटी दे रखी है, कैसे क्या करें। यहां लगेगा वो वाला फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल एच बाय एम वी, याद है वेलोसिटी दे रखी है, मास आपको पता है इलेक्ट्रॉन का, और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, लैम्डा निकल आएगा, कैलकुलेट द वेवलेंथ। समझ में आया, डी ब्रोगली रिलेशन याद है किसी को, यस सर। देखो फ्लो में चलते चलते नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करते करते हम भूल जाते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, देख के लगेगा यार फॉर्मूले तो बहुत आते हैं, लैम्डा वाला तो हम E इक्वल एच इनटू न्यू या E इक्वल एच सी बाय लैम्डा पुट करते हैं, वो तो एनर्जी निकलेगी, वेवलेंथ कैसे निकलेगी इलेक्ट्रॉन की, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, जबकि इसका फॉर्मूला है डी ब्रोगली रिलेशनशिप में। यही चीज माइंड को क्लिक करने के लिए लिख लिख के क्वेश्चन करने जरूरी है, वरना क्वेश्चन नहीं होंगे, क्लियर है ना, सबको समझ में आ रही है बात। तो इसलिए यहाँ सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, एच की वैल्यू पता है, एम क्या होता है इलेक्ट्रॉन का मास, 9.18 × 10^-31 kg, ये दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का मास, और उसके अलावा उसने लैम्डा तो वेलोसिटी तो दे ही रखी है, वेलोसिटी भर दो मीटर पर सेकंड, सारे के सारे यूनिट ऐसा ही होने चाहिए, आपके पास आंसर लैम्डा जो है मीटर में निकलेगा, दैट्स इट। यस बेटा क्लियर है, सभी को क्लियर है ना, ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, यस सर। ठीक है, इस संडे, हाँ शिवम बेटा इस संडे टेस्ट होने वाला है, दो लेसन आएंगे टेस्ट के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट दोनों इकट्ठे आएंगे, याद रखना। नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगे पिछले टेस्ट की तरह क्या बेटा, सर नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे 45 क्वेश्चन तो वही रहेंगे, क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं, पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन लेसन दो आएंगे, तो 50-50 आएंगे दोनों लेसन, तो इसलिए बोल रहा हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट के फिर से सॉल्व कर सकते हो, और इसके भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसके 67 क्वेश्चन है, हर रोज 10 क्वेश्चन करते हो, 5-6 दिन में ये लेसन कवर हो जाएगा बड़े आराम से, और आज क्या है, आज वेडनेसडे है, तो 20 क्वेश्चन तो मैंने ही करवा दिए 20+, तो उसके बाद वाले क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, 30-40 क्वेश्चन और हैं, 40 क्वेश्चन 4 दिन में आराम से आपका ये पूरा हो जाएगा, 10-10 क्वेश्चन ही करने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेसन मैं पहले से पूरा करवा चुका हूँ, उसकी थ्योरी को पढ़ना चाहो, जस्ट नोट्स हैं, सीधे सीधे नोट्स हैं, सीधा फॉर्मूला डिराइव करा है, कुछ नहीं करा है, सीधा फॉर्मूला बताया, हल्की सी थ्योरी है, तो थ्योरी नहीं, हमारे काम के न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल ही करने हैं, अगर थ्योरी में फिर भी देखना किसी को देख सकते हो, अपने नोट्स में कुछ एडिट करना है एडिट कर सकते हो,
है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास दे रखा है इसने, इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी देने के बाद वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट होती है, मास दे रखा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है भाई। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, यहां से देखना आप ध्यान से, हाफ एम वी स्क्वायर के ई काइनेटिक एनर्जी, इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन होने वाली है और कुछ नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर, जितना करवाया उससे भी ये सोल्व हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। उसने बोला मास दे दिया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी दे दी, ठीक है, ये पूरी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर दे रखी है, तो वेलोसिटी निकाल सकते हो यहां से 3.0 इंटू 10 रेज पावर माइनस 25 जूल दे रखी काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकता हूं, मास आपको पता है, वेलोसिटी का रूट आ जाएगा, आ जाएगा। तो अगर आप कोई बोल रहा है कुछ, क्या यश बेटा आपकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, देखिए इसको मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ यहां से, अगर मैं v की वैल्यू निकाल लूं तो कैसे निकलेगी v की वैल्यू, भाई काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, m मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, v का स्क्वायर है तो v का अंडर रूट, इस सारे का अंडर रूट, क्लियर है, यही इसने 2ke डिवाइड बाय m लिख रखा है, तो ये डेरिवेशन कुछ नहीं है, फालतू का चोचला है, आप यहां से काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकाल सकते हो, तो वेलोसिटी के लिए या इसको लेफ्ट राइट ले जाओ, बात एक ही है, तो वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास, क्लियर है, ये समझ में आ गया भाई? यस, ये क्लियर हुआ। अब देखो इसने क्या कहा था, कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालनी है तो वेलोसिटी आ गई, तो ई लैम्डा इक्वल एच बाय एम इंटू वी, ये लगेगा आप वेवलेंथ के लिए, m पता है, h पता है, v आपने यहां से फाइंड आउट कर लिया, आ गया ना v इधर से, ये फॉर्मूला लगा के या डायरेक्ट आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा सीधा ये आएगा, यहां से लैम्डा निकाल लो, निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है? यस सर, है ना। हाँ बेटा कुछ कह रहे हो, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा, लेट्स सी द नेक्स्ट। तो इस तरह से हम सीधा सीधा लैम्डा निकाल सकते हैं, तो लैम्डा निकालने के लिए डी ब्रोगली रिलेशनशिप फॉलो करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखो ऑप्शन नंबर 22, द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है भाई सेम, आइसो सेम के लिए यूज होता है, ठीक है, जब हम थर्मो करेंगे वहां पर भी इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं सिक्स्थ लेसन के अंदर, ठीक है, थर्मोडाइनेमिक्स में। तो आइसो का मतलब हमेशा सेम होता है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन जिसके सेम हो, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है, क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ गई? यस। तो देखो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब सोडियम में 10 ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कम है। पोटेशियम, पोटेशियम में कितने, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 19 होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है इसमें। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, दो इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज है, 10 है इसमें। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20, दो पॉजिटिव है मतलब 18। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है, दो नेगेटिव है मतलब 18 है। तो 18 इलेक्ट्रॉन वाले ढूंढ लो कितने हैं, मैग्नीशियम और सोडियम ये दोनों अलग हैं, ठीक है, और बाकी सब 18, ये 18 वाले तीन दे रखे हैं इसने, कैल्शियम का, पोटेशियम का और आर्गन का दे रखा है, हाँ ठीक है, आर्गन भी है भाई, एक आर्गन, आर्गन में तो ऑलरेडी 18 होते हैं, ठीक है, आर्गन का भी दे दिया, सल्फर का भी 18 दे दिया, और ये दो के 10-10 हैं, तो यानी कि दो स्पीसीज तो ये हैं जिनका 18 है, ठीक है, आर्गन समेत, अगर आर्गन ये एक और तीन, ये चार तो ये हैं और दो ये हैं, क्लियर है भाई? सोडियम और मैग्नीशियम आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दैट्स इट। तो यहां से आइसो इलेक्ट्रॉनिक का भी आपको एक टर्म पता लगेगी और उसको भी याद करना है, ध्यान रख लेना, ठीक है। राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयन, अभी इन आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है किसी को, एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी, लर्न है? यस सर, याद है। चलो ठीक है, मेरे को बताओ फिर, हम 118वें एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 118वां, 118 क्या होता है वो, 1s2 पहला, नीचे सेकंड शेल स्टार्ट कर देते हैं, 2s2 s और p होते हैं उसमें, 2p सबके आगे p लगा, p में 6 आते हैं, थर्ड शेल स्टार्ट कर दो, 3s2 3p6 फिर क्या आएगा, 3d, इज दिस 3d यहां नहीं आने वाला,
याद है ना, SP लिखना होता है। फिर इसके बाद फोर्थ शेल में आएगा 4s2, इसमें d आएगा, फोर्थ शेल में SDP, तो d में 10 आते हैं, 3d होगा ये, समझ गए, क्योंकि जो फोर्थ शेल चल रही है d हमेशा उससे एक कम आएगा। और इसके बाद 4p6, फिर नेक्स्ट 5s2 SDP, ये भी SDP है, d भरेंगे तो 4d 4d 10, और p तो पांचवा ही आएगा, क्लियर है। फिर नेक्स्ट 6s2, अब f भरा जाएगा, दो कम होगा 6 से, 4f14, फिर d भरा जाएगा 5d, एक कम होगा सेल छठे लेवल की सेल से, है ना, 5d 10, d में 10 आते हैं, फिर 6p, p में 6 होते हैं। नेक्स्ट 7 वाला तो ऊपर वाले को देख के भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक बढ़ाते जाओ बस सब में, ये 5f14, हालांकि वही वही सीक्वेंस चलेगा, और ये 6d 10, और ये 7p6, दैट्स इट। समझ में आ गया भाई, सारे 118 भर दिए, फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी लिख चुका हूं मैं। अब आपको किसकी लिखनी है, अब जरा ये देखिए, इसने क्या कहा है, एच नेगेटिव है, मतलब हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 खत्म, एच नेगेटिव 1s2, क्लियर है। सोडियम पर पॉजिटिव है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में 11 होते हैं ना, बट सोडियम पॉजिटिव पर 10 है, तो 10 में कितने भरे जाएंगे, 1s2 2s2 2p6, हो गए 10 पूरे, बात खत्म, क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ रहा है। यस। ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव है, 8 होते हैं ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 8 है, दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 10 है, तो इसका भी सेम सोडियम वाली आएगी, 1s2 2s2 2p6, ये भी वही है, सेम टू सेम। नेक्स्ट देखो, फ्लोरीन नेगेटिव, फ्लोरीन पर नेगेटिव, फ्लोरीन में 9 होते हैं बट एक एक्स्ट्रा है, तो यानी कि इसकी भी सेम टू सेम आएगी, तो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही है इन तीनों की, क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखो, अब एक तो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंटेड बाय, एटॉमिक नंबर बताना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, 3s में 1, 2p में 3 और 3p में 5, कैसे पता लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 3s में 1 कहां पर है भाई, 3s में 1, ये रहा 3s, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इससे पीछे वाले काउंट कर लो सारे, 6 और 4 10 और एक इलेक्ट्रॉन इसमें 11, एटॉमिक नंबर 11 किसका होता है, सोडियम, ये समझ में आया, ये समझ में आया क्या सबको, यस सर। अगले का नाइट्रोजन, अगला देखिए, अब अगला क्या है, 2p में 3 है, तो 2p ढूंढो कहां है, ये रहा 2p में 6 दे रखे हैं, 3 करने हैं इसमें, तो उससे पहले वाले काउंट कर लो, 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 3 इसके, तो 4 और 3 7, 7 कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है, दिस विल बी नाइट्रोजन, ठीक है, दिस विल बी सोडियम। नेक्स्ट 3p में 5, 3p ढूंढो कहां पर है, ये रहा 3p, इसमें 5 है, तो इससे पहले वाले सारे काउंट कर लो, इससे पहले जितने भी है सब काउंट करो, 10 और 2 12 और 5 17, 17 होता है क्लोरीन का, दैट इज क्लोरीन, यस, क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट देखते हैं, विच एटम आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन कौन से एटम को इंडिकेट करती है, हीलियम की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरी हुई है, हीलियम में 2 होते हैं, 1s2 2s1, लिथियम है ये, इसको ऐसे देखने का तरीके की बजाय सीधा ये देखो, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 2s में है, 2s में 1, तो 2s में 2, पीछे वाले 2 और एक 3, 3 एटॉमिक नंबर किसका है, लिथियम का, क्लियर है। इसको भी ऐसे ही देखो, 3s में 2 और 3p में 3, 3p में 3 भर दो, तो बाकी पीछे वाले काउंट कर लो, 10 और 2 12 और 3 15, 15 किसका होता है, सल्फर का, सल्फर होता है क्या 15, इज दिस कौन होता है 15 पर, फास्फोरस, फास्फोरस है, सल्फर तो 16 पर आता है ना, फास्फोरस होता है, सल्फर 16 पर आता है, ठीक है, फास्फोरस दैट इज। आगे देखते हैं, इसी के अंदर नेक्स्ट देखो, फिर उसके बाद 4s2 3d में 1, 4s2 3d में 1, 4s2 है ये, तो पूरे हैं, तो पीछे वाले काउंट करें, ये 10 ये हो गए और 6 और 4 10 ये हो गए 20, और 3d में 1 है 21, 21 पर आता है स्कैंडियम, सीधी सी बात है, Sc स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर, क्लियर है बेटा सभी को, समझ में आया क्या, यानी बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखनी है। और चीज बता देता हूँ, क्रोमियम और कॉपर, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, याद करनी पड़ेगी, दोनों एक्सेप्शनल है, क्रोमियम और कॉपर, उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सेप्शनल है, बट ये दोनों तो हार्डली एक्सेप्शनल है, क्लियर है भाई, सबको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 23 आसान था ये आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 24, ये एन और एल वाला है, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउ जी ऑर्बिटल, ठीक है, अब मेरे को ये बताइए, आप लोगों का क्लास है क्या अभी,
अभी क्लास है आप लोगों की? यस सर। कौन सी क्लास है? मैथ्स की। मैथ्स की क्लास है, चलो ठीक है, फिर इसको हम यही एंड करते हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ये जरूर करवा दूं, ये थोड़ा सा आपको एन और एल की वैल्यूज वाला है। देखो, विच इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउज जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। जी ऑर्बिटल जिसमें आएगा, जी ऑर्बिटल होना चाहिए एन की कौन सी वैल्यू हो। हमने देखा एन की वैल्यू 7 तक तो जी आता ही नहीं है, ठीक है, तो जी कहाँ आएगा भाई? तो देखो एस एफ डी पी, याद है एस एफ डी पी दो बार हो गया, अब इसके बाद में क्या आएगा? एस जी एफ डी पी, नेक्स्ट ऑर्बिटल जो होगा एस जी एफ डी पी आएगा, यानी कि आठवीं शेल होनी चाहिए, कम से कम भी आठवीं शेल। बट क्या आठवीं शेल वाकई में एग्जिस्ट करेगी? आठवीं सेल में जी आएगा। अगर आठवीं सेल में एस जी एफ डी पी आठवीं सेल में आ रहा है, या आठवीं सेल में जी तो आठवीं में आ रहा है, लेकिन जी को वैल्यू एफ को भरते हैं तो दो कम होना चाहिए, डी को भरते हैं तो एक कम होना चाहिए, एफ को भरते हैं दो कम होना चाहिए सेल नंबर, और जी को भरेंगे तो तीन कम होना चाहिए। तो आठवीं में नहीं, आठवीं में से सेल नंबर इसका तीन कम हो जाएगा। पांचवीं सेल में एन की वैल्यू, पांचवीं सेल में जी एग्जिस्ट करेगा पक्के तौर पर। जो शेल नंबर होता है उतने ही सब शेल होते हैं, वो भरा है आठवीं शेल में जाएगा, बट एग्जिस्ट तो वो पांचवीं में करेगा। ये समझ में आया सीक्वेंस? यस सर। क्लियर है? या फिर इसे ऐसे देखेंगे, दूसरा तरीका बताता हूं। जितना शेल नंबर होता है उतने ही सब शेल होते हैं, तो यानी कि सब शेल क्या होता है, एल होता है, तो पांच ही होती है सब शेल। तो भाई पहली एस है, दूसरी पी है, तीसरी डी है, चौथी एफ है, पांचवी जी है, तो पांचवी शेल में जी होना चाहिए, भरेगा वो आठवीं में, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो हाई होती है, तो आठवीं शेल में भरा जाएगा, बट होना तो पांचवीं में चाहिए। जितनी शेल नंबर उतना ही सब शेल नंबर, दैट इज इट। क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? इन्होंने जैसे निकाल रखा है जी का मतलब एल, जीरो का मतलब वन है, वन का मतलब पी है, टू का मतलब डी है, थ्री का मतलब एफ है, फोर का मतलब जी है, तो यहाँ पर वही चीज है, जीरो वन टू थ्री फोर, टोटल शेल कितनी होगी? टोटल पांच सब शेल होगी, शेल नंबर पांच होगा तभी पांच शेल सब शेल एग्जिस्ट करेंगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्लियर है भाई? सबको समझ में आया? Yes, बेटा क्वेश्चन नंबर 24 सबको आ जाना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को कुछ डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो। आगे वाले क्वेश्चन बहुत आसान आसान